रवि ठाकुर लाहौल स्पीति के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लिदांग, लारा, काजा, लांगचा, कॉमक और हिक्कम में जन समस्याएं सुनी। काजा में 1,86,00,000 की लागत से बनने वाले कन्या छात्रावास का शिलान्यास भी किया। यह छात्रावास पहले से बने छात्रावास के साथ ही बनेगा। उन्होंने काजा में बन रहे ग्रामीण हट का निरीक्षण किया। विधायक ने लंबित पड़े कार्य की अनुमानित लागत तैयार करके शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कॉमिक हिकम और लांगचा में लोगों की जन समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने आश्वासन दिए। विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि स्पीति के हर गांव में 4G नेटवर्क की सुविधा मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में BSNL के 34 टावर अभी तक स्पीति में स्थापित हो चुके हैं। अभी हम कॉमिक गांव पहुंचे हैं और प्रशासन और यहाँ लामा लोगों से हमारी मुलाकात हुई और जो हमने टारगेट फिक्स करे थे, हमने पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे CGMT के साथ भी बात हुई थी शिमला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, और यहाँ पर पूरे स्पीति घाटी में तकरीबन 34 BSNL के टावर अभी लगने जा रहे हैं। टावर सारे इरेक्ट हो गए हैं और इसको एनर्जाइज किया जा रहा है। अभी हमारी BSNL की पूरी सीनियर टीम आ रही है और इसको हम शुरुआत कर देंगे, इसको इसमें सिग्नल आ जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, इसकी बधाई देता हूँ सबको। और इसी के साथ साथ जो हमने अभी मूव किया था, पीछे भी हमने बहुत सारे ये सोलर लाइट्स बांटे थे हर घर को, मगर अभी हाल ही में ICICI के माध्यम से भी 2 करोड़ के अभी तकरीबन एक पंचायत से ज़्यादा लोगों को हमने हर घर में 1-1 किलोवाट का बांट दिया है सोलर पावर का। और हमारा ये टारगेट है कि पूरे स्पीति घाटी में हर घर को सोलर पावर का 1-1 किलोवाट का ये बांटा जाएगा सोलर, और हर हर गांव में ये 4G उपलब्ध होगा BSNL की ओर से, और जियो के इसके अलावा एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है स्पीति वासियों के लिए। धन्यवाद।